हेलो दोस्तों, चलो हाँ चलते चलते फिर बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो आप कॉलेज में हो या किसी कंपनी में काम करते हो या फिर और कहीं जॉब कर रहे हो, आपको अगर किसी से प्यार हो जाए तो आपको कैसे पहचानना चाहिए कि आपको प्यार हो गया और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको किसी से प्यार हो जाए ऐसा लगता है। वो जो बोलते हैं ना कि पहला फीलिंग आता है कि हाँ वो यही लड़की है जिसे मैं तलाश कर रहा था, हाँ वो यही लड़का है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो उसके आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको कैसे पहचानेंगे आप क्या आपको उससे प्यार है, और प्यार है तो वो कितना सच है, कितना सही है, कितना झूठ है। सबसे पहले तो आप ये लिखना है एक कागज़ कागज़ पे कि आपको उससे प्यार क्यों है, मतलब क्या देखा आपने उसमें ऐसा जिससे आपको उससे प्यार हो गया ऐसा लगता है। भाई आप बचपन से इतने बड़े हुए हैं, माँ बाप के यहाँ रहे हैं, अपने आपको अपने माँ बाप से भी प्यार है, आपके भाई बहन से भी प्यार है, फिर अचानक किसी थर्ड पर्सन के लिए जो आप जिसको आप जानते भी नहीं हो उससे आपको अगर प्यार हो गया तो कैसे हो गया, इसका रीज़न आपको फाइंड आउट करके लिखना है, खुद पॉइंट लिखना है 10 कि क्यों मुझे प्यार हुआ है उससे, और फिर उसको वैलिडेट करके देखना है, मतलब जांच परख के देखना है कि ये सही है ये गलत है या फिर मैंने ऐसे लिख दिया प्राय, है ना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लिखने वाले कि वो फर्जी तरह से लिख दे, तो आपको जांच परख के लिखना है कि हाँ अगर मैंने लिखा है कि हाँ मुझे इसलिए लड़की पसंद आई है कि वो बहुत दिखने में खूबसूरत है और मुझे ऐसे ही लड़की की तरह से, तो वो खूबसूरत है तो वो खूबसूरती की वजह क्या है, मतलब आपको क्यों पसंद आई खूबसूरती, आपने खूबसूरत तरह की आपको काम चल जाएगा क्या उसके, किंतु परंतु सारे जांच परख के देखने हैं आपने, और फिर आपको जस्टिफाई करना है अपने आपसे कि आपको उससे प्यार हुआ है तो वो वैलिड है या नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि आपने प्यार को आप वैलिडेट करो खुद ही और फिर आगे बढ़ो, अगर नहीं है नहीं कर सकते तो फिर आपका झोल झपटा है कुछ प्यार नहीं है, ठीक है, बेटर वे कि आप मूव करें अभी।